हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीट्राइकम, जिसमें हम पॉलीट्राइकम की एनाटॉमी ऑफ लीफ के बारे में स्टडी करेंगे। माय नेम इज राजन वीरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आरआर कॉलेज, अलवर। तो जब पॉलीट्राइकम के लीफ के बारे में हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमको इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें सबसे नीचे एक एपिडर्मिस दी हुई है, इसी तरीके से ऊपर की और फोटोसिंथेटिक लैमेली दी हुई है, और ये लैप्टॉइड्स हैं, और यहाँ पे स्टेरॉइड सेल्स दी हुई हैं, जो कि एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर यहाँ पर पाई जाती हैं। इस तरीके से ये पाई जाएंगी यहाँ पर, और इनके बीच बीच में कुछ हाइड्रॉइड सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक TS ऑफ पॉलीट्राइकम लीफ यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली, लैप्टॉइड्स, स्टेरॉइड्स, हाइड्रॉइड्स, एपिडर्मिस, ये सब शो किए गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलीट्राइकम एनाटॉमी ऑफ लीफ, ये डायग्राम बुक से लिया गया है, जिसमें कि हैंडमेड डायग्राम है और TS ऑफ लीफ के बारे में बताया गया है। तो इसके जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें यह देखा जा रहा है कि सबसे नीचे लोअर एपिडर्मिस दी हुई है। यह लोअर एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है। लोअर एपिडर्मिस के ऊपर कुछ थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाती हैं, उसके और जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पर भी है और इस रीजन में भी थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाती हैं। इनके बीच में जो दोनों रीजन होंगे थिक वॉल्ड सेल्स के, इनके बीच में थिन वॉल्ड सेल्स पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक लैमेली पाई जाएगी बीच में, ऊपर की तरफ लैमेली यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि फोटोसिंथेटिक होती हैं और इनका काम फोटोसिंथेसिस करना होता है। टर्मिनल सेल्स, ये जो ऊपर की तरफ जो रीजन होगा, जो थोड़ी साइज में बड़ी भी है, ये ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रही है लास्ट में टर्मिनल रीजन पर, ये टर्मिनल सेल्स होती हैं और लास्ट में ये एपिडर्मिस पाई जाएगी। जो ये एपिडर्मिस का ये वाला रीजन है, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसकी विंग बनाता है। तो इस तरीके से जो हमने TS ऑफ पॉलीट्राइकम की लीफ को देखा कि उसका TS की स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो हमने ये सारी स्ट्रक्चर देखी, जिसमें हमें लोअर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, ऊपर थिक वॉल्ड सेल्स हैं और दोनों थिक वॉल्ड सेल्स के बैंड्स के बीच में थिन वॉल्ड सेल्स पाई जाती हैं, उसके ऊपर फोटोसिंथेटिक लैमेली पाई जाती है, जिनके ऊपर टर्मिनल सेल्स हैं, और इस तरह से यहाँ पर लास्ट में ये विंग पाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पॉलीट्राइकम की जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स इन ऑल मॉसेज, कि जितनी भी मॉसेज यहाँ पर पाई जाएंगी, उनमें ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। जितने मतलब पॉलीट्राइकम जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। दूसरा है पॉलीट्राइकम लीफ प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फंक्शन। अब पॉलीट्राइकम की लीफ है जो एक गुड एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर रिलेटेड फंक्शन के बारे में जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो पॉलीट्राइकम उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अब यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीट्राइकम लीफ? द लीफ शोज मेजर पोर्शन विच इज कॉल्ड मिडरिब। जो लीफ होती है उसका मेजर पोर्शन, जो उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो उसकी मिडरिब कहलाती है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो लीफ का मेजर पार्ट है, वो उसका मिडरिब वाला रीजन होता है। तो मिडरिब रीजन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज ए ब्रॉड रीजन। जो मिडरिब वाला रीजन है, वो एक ब्रॉड रीजन है। नेक्स्ट, मिडरिब फ्लैंक्ड बाय ए नैरो विंग। बीच में तो मिडरिब मिलेगी लीफ में, लेकिन उसके दोनों तरफ नैरो विंग्स पाए जाते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाले डायग्राम में भी देखा था कि एपिडर्मिस आगे जाकर के विंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना रही है। फिर उसके बाद है मिडरिब लैक ऑफ द अपर एपिडर्मिस। मिडरिब में क्या होता है, जो मिडरिब की हम एनाटॉमी देख रहे हैं, तो उसमें अपर एपिडर्मिस का अभाव होता है, जैसे कि हमने पहले डायग्राम में भी देखा है। नेक्स्ट, द वाइड मिडरिब मेक अप मोस्ट ऑफ द विड्थ ऑफ द लीफ इज मल्टी स्ट्रेटोज। तो यहाँ पे इस लाइन से मतलब यह है कि जो मिडरिब होती है वो चौड़ी मिलेगी, तो इस कारण ही मल्टी स्ट्रेटोज होती है। मल्टी स्ट्रेटोज से मतलब हो गया सेवरल सेल्स थिक इन द सेंटर।
सेंटर में वो सेवरल सेल्स थिक होती है और मल्टी स्ट्रेटोज पाई जाती है। तो मल्टी स्ट्रेटोज वर्ड से मतलब हो गया सेवरल सेल्स थिकनेस। जब सेल्स कई सारी मिलकर के उसकी थिकनेस बनाती है, उसे मोटा करती है, तो उसे मल्टी स्ट्रेटोज कंडीशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द लोअर एपिडर्मिस इज वेल मार्क्ड। जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा कि जो लोअर एपिडर्मिस है वो कंटिन्यूसली पाई जा रही है और वेल मार्क्ड है, जबकि अपर एपिडर्मिस वहां पर देखने को नहीं मिलती। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ रेगुलरली अरेंज्ड लार्ज सेल्स। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो ये होती है लोअर मिडरिब, इसमें क्या होता है रेगुलरली अरेंज्ड सेल्स होती हैं, बड़े साइज की सेल हैं जो कि एक रेगुलरली अरेंज्ड इसमें मिलती हैं। विद इन द लोअर एपिडर्मिस द मिडरिब जनरली शोज 1-2 रियरली मोर लेयर्स ऑफ थिक बैंड ऑफ स्मॉल एलिमेंट स्क्लेरिस विद एक्सट्रीमली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमिना। जैसा हमने पहले डायग्राम में भी देखा, जब टीएस ऑफ एनाटॉमी को हम देख रहे हैं तो उसमें सबसे नीचे लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है और उस लोअर एपिडर्मिस के ऊपर कुछ सेल्स के बैंड पाए जाते हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं, मतलब कि जिनकी सेल वॉल है वो थिक मिलेगी और इस तरह से ये स्क्लेरिट्स बनाती हैं, स्मॉल एलिमेंट्स या स्क्लेरिट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये बैंड की फॉर्म में पाई जाती है, जैसे एपिडर्मिस के ऊपर मिल गई और फिर कुछ और ऊंचाई पर मिलती है। देयर इज ए नैरो एंड इंटरप्टेड बैंड ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स ऑन द अपर साइड। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक बैंड तो इसका एपिडर्मिस के ऊपर बन गया और फिर कुछ ऊंचाई के ऊपर बन जाएगा, तो इंटरप्टेड बैंड्स ये होते हैं। बिटवीन दीज टू बैंड ऑफ स्क्लेरिड्स द मिडरिब टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स डिफरेंशिएटेड इंटू। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अब दो बैंड बन रहे हैं यहाँ पे स्क्लेरिड के जो, और मिडरिब में ये पाए जा रहे हैं और दोनों बैंड्स के बीच में थिन वॉल्ड सेल्स पाई जाती हैं, और ये थिन वॉल्ड सेल्स होती है पैरेन्काइमा सेल्स, जो कि अब दो तरीके से डिफरेंशिएटेड यहाँ पर हमको दिखाई देता है। ए बैंड ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स इमीडिएटली बीनेथ द अपर बैंड ऑफ स्क्लेरिड। तो जस्ट जो एपिडर्मिस है या अपर बैंड ऑफ स्क्लेरिड है उसके ऊपर की तरफ मिल रहा है दो बैंड, हम बात कर रहे हैं कि दो बैंड पाए जाते हैं स्क्लेरिड के, तो अपर बैंड के ऊपर नीचे की तरफ एक पैरेन्काइमा सेल्स का बैंड या थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स का लार्ज बैंड यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट द मच नैरो एम्प्टी सेंट्रल पैरेन्काइमा सेल्स। और जो सेल्स होती हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, बहुत ही सकड़ी इनमें सेंट्रल कैनाल इनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है द मिडरिब लैक द अपर एपिडर्मिस। जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा कि मिडरिब में अपर एपिडर्मिस का अभाव होता है, वो कम्प्लीटली एबसेंट है, केवल लोअर एपिडर्मिस ही यहाँ पर पाई जाती है। इट इज रिप्लेस्ड बाय ए लेयर ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल सिमिलर इन डायमीटर। तो इस तरीके से ये जो सेल्स होती हैं वो जो मिडिल वाली सेल्स होंगी, जो अपर एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो लार्ज सेल्स से, जो बड़े साइज की सेल्स हैं उनसे ये रिप्लेस हो जाती हैं और ये थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। दीज सेल्स अपीयर एज क्लोन सेट 1 थिक रो ऑफ ग्रीन डार्क ग्रीन सेल्स 4-7 इन हाइट। तो अब ये जो सेल्स होती हैं, अब जैसे यहाँ पे अपर एपिडर्मिस कम्प्लीटली एबसेंट है, तो अपर एपिडर्मिस कम्प्लीटली एबसेंट होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे लार्ज साइज की जो थिन वॉल्ड सेल्स हैं उनसे यह रिप्लेस हुई है, तो एपिडर्मिस की जगह अब ये सेल्स पाई जा रही हैं। और जो ये सेल्स होती हैं वो एक दूसरे की क्लोन सेल्स होती है, मतलब इनकी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली सिमिलर होगी और इन ये ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और 4-7 सेल्स इन हाइट होती है, मतलब 4-7 कोशिकाएं मिलकर के लैमिली का फॉर्मेशन करती हैं। द विंग ऑफ लैमिना इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ हाइलाइन सेल्स। जो लैमिना की विंग होती है वो हाइलाइन सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है और सिंगल लेयर्ड यह होता है। द डिस्टल एंड टर्मिनल सेल ऑफ द लैमिली
मार्जिनल सेल्स आर स्लाइटली लार्जर एंड हाईलाइन। अब यहाँ पे हम लैमिना की बात कर रहे हैं, तो ये जो लैमिना होता है, लैमिली है, जो लैमिली की जो सेल्स होंगी 4 to 7 सेल्स हाइट में पाई जा रही है, जो इसके डिस्टल या टर्मिनल सेल्स होती है, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा, जो साइज में बड़ी है और हाईलाइन होती है, हाईलाइन से मतलब कलरलेस ये पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑल अदर ग्रीन और डार्क ग्रीन सेल्स एंड दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और जितनी भी ग्रीन और डार्क ग्रीन सेल्स होती हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन रहता है और इस कारण ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लैमिली। फर्स्ट फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैमिली इज कैपिलरी कंडक्शन ऑफ वाटर। जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं कि लैमिली का फंक्शन क्या होगा, तो इसका फर्स्ट फंक्शन तो यह होता है कंडक्शन ऑफ वाटर। जो वाटर है उसका एक जगह से दूसरी जगह उसका कंडक्शन करना। नेक्स्ट, लैमिली आर इन कॉन्टेक्ट विद द शीथिंग लीफ बेस एंड फॉर्म्ड बाय ए पार्ट ऑफ ए कंटिन्यूस एक्सटर्नल कैपिलरी कंडक्टिंग सिस्टम विच एक्सटेंड टू फॉर्म द बेस ऑफ द प्लांट टू द लीफ एपिक्स। तो फर्स्ट हमने इसका फंक्शन देख लिया कि इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट, इसका जो फंक्शन है वो यह दिया हुआ है कि लैमिली आर कॉन्टेक्ट विद शीथिंग लीफ बेस, जो लीफ बेस होता है उसके साथ ये कॉन्टेक्ट में होती है लीफ शीथ के कारण, और इस तरीके से जो पूरी लीफ है एपिक्स तक, बेस टू एपिक्स, कैपिलरी कंडक्शन का यह काम करती है। एक्सटर्नल कैपिलरी कंडक्टिंग सिस्टम को ये कंडक्ट कराती है, तो ये एक तरीके से ये न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करती है। थैंक यू।